यदि आप अगर सीएसए यूजर हैं तो सीएसए यूजर हैं तो आपको वृद्धा पेंशन केवाईसी या पीएम किसान केवाईसी और भी अदर किसी तरह का केवाईसी करना हो या किसी तरह का अगर पेमेंट करना है सीएसए के माध्यम से तो आपको सीएसए में आपको पेमेंट ऐड करना पड़ता है। तो पेमेंट ऐड कैसे करेंगे यानी कि पैसा को ऐड वैलेट में कैसे करेंगे यानी कि वैलेट में जब तक आपका पैसा रहेगा तब आप सीएससी से वर्क कर सकते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस करना हो, हेल्थ इंश्योरेंस करना हो या गाड़ी इंश्योरेंस करना है, टिकट काटना है किसी चीज़ का और या केवाईसी वगैरह करना किसी तरह का करना है तो कुछ पेमेंट करता है तो उसके लिए आपको पेमेंट पैसा ऐड करना पड़ता है। तो वैलेट में आपको पैसा कैसे ऐड करना है उसका मैं सारा जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे यहाँ पर सीएससी में आपको पेमेंट ऐड करना है मुझे पीएम किसान केवाईसी के लिए या और भी आपको जो भी काम करना हो उसके अनुसार से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पेमेंट ऐड करके शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सीएससी यूजर है तो आपको सीएससी यूजर में आएंगे और आपको पेमेंट ऐड करने के लिए पहले आप सीएससी लॉगिन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ, यहाँ पर लॉगआउट के सेक्शन है और लॉगिन करने के बाद आप इस डैशबोर्ड पर आएंगे और डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन में एक यहाँ पर वैलेट का ऑप्शन है तो इस वाले वैलेट वाले ऑप्शन पर चले आएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पर वैलेट समरी और एड मनी, बैलेंस ट्रांसफ़र, रिमूव बैलेंस और रिचार्ज हिस्ट्री। यानी कि आप जो भी अभी तक आपने रिचार्ज किया तो यहाँ पर यानी कि पेमेंट ऐड किया तो यहाँ पर हिस्ट्री में शो कर देगा और आपके जो वैलेट में पैसा है यहाँ पर आपको समरी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी वैलेट में आपको पैसा है यहाँ पर आपको शो कर देगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मेरा वैलेट में इतना पैसा है अभी और यहाँ पर ऑपरेटर आईडी ऐड दिखाएगा, यहाँ पर लोकेटर दिखाएगा और यहाँ पर नो मोर दिखाएगा। तो यहाँ पर पेमेंट ऐड करने के लिए आप यहाँ से भी ऐड मनी योर वैलेट पर जा सकते हैं या आप यहाँ से नहीं जाना चाहते यहाँ पर आपको दिया है एक ऐड मनी का ऑप्शन तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन शो होगा और ऑप्शन शो होने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट डालना है। जितना आपको पेमेंट डालना है जैसे मान लें 200, 300, 400, 1000, 2000 जो भी डालना है यहाँ पर आप टाइप करेंगे। इसके बाद जो आपका सी एस सी यूजर में आपका मोबाइल नंबर दिया गया इसको यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आता है, यहाँ पर HDFC और यहाँ पर एक्सिस। तो यहाँ पर आपको पेमेंट मोड दिखाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड टू मनी वैलेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन आने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दो ऑप्शन शो हो पा रहा है तो इस ऑप्शन का मतलब क्या है। तो ऑप्शन का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन का मतलब यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि HDFC PG का मतलब क्या होता है कि नो चार्ज, यहाँ पर अदर चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप पे UPI के माध्यम से करेंगे तो यहाँ पर 0.64 यहाँ पर पेमेंट कटेगा PG के माध्यम से। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर दिया गया है, सभी डिटेल यहाँ पर। अभी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर इस वाले को रीड कर सकते हैं, यहाँ पर जो नोट से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब चलते हैं, मैं यहाँ पर पेमेंट करके शो कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अमाउंट मुझे 300 ऐड करना है और ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करूँगा जो भी मोबाइल नंबर मेरा है सीएससी में। इसके बाद यहाँ पर कोई एक ऑप्शन चूज करें, मैं यहाँ पर एक्सिस PG चूज किया हूँ। इसके बाद ऐड मनी टू वैलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन है UPI, डेबिट कार्ड और यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो चलिए मैं यहाँ पर UPI ID डाल लेता हूँ। यहाँ पर UPI ID डालेंगे और UPI ID डालने के बाद यहाँ पर पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल फिल कर देता हूँ। तो UPI ID डालने के बाद आपको क्या करना है कि वेरीफाई का एक सेक्शन होगा, इसी में UPI में वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, वेरीफाइड लिख देगा। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आप जिस भी UPI का नंबर डालेंगे उस UPI में आपका रिक्वेस्ट चला गया होगा। रिक्वेस्ट जाने के बाद वहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी आपका ID नंबर होगा अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर पे पर क्लिक कर चुका हूँ, मेरा यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे मेरा यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है, टॉप अप यहाँ पर सक्सेस हो गया, टॉप अप यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपना पेमेंट यहाँ पर सक्सेस कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको पेमेंट दिखाता हूँ, मेरा पेमेंट वॉलेट में शो किया है अथवा नहीं। तो मैं यहाँ पर फिर से लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर वॉलेट में आएंगे, यहाँ पर समरी चेक करेंगे। समरी चेक करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट बैलेंस में देख पाएंगे। मेरा यहाँ पर पेमेंट मैंने यहाँ पर 100 कुछ रुपया यहाँ पर मेरे पास पहले से था और यहाँ पर मैंने 300 रुपया ऐड किया तो यहाँ पर मेरा टोटल पेमेंट यहाँ पर शो कर गया है। मैं यहाँ पर हिस्ट्री में देख लेता हूँ कि हिस्ट्री में मेरा यहाँ पर पेमेंट रिचार्ज शो करता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो पेमेंट किया था, अभी मैंने पेमेंट किया है, तो जो पेमेंट किया था
तो मैंने जो पेमेंट किया था इस वाले सेक्शन में आज 21 फरवरी को, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। यहाँ पर 300 रुपये पेमेंट दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना और CSE में पेमेंट ऐड कर सकते हैं। वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। CSE से रिलेटेड और भी कोई अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसके लिए एक नया वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।